छापा खोलेगा, दारू बैठता है थाना में, दारूबाज थाना में बैठता है जाके। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। टाइम बढ़ाई बाजार में है, देख पा रहे हैं लोगों की काफी भीड़ लग चुकी है, जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ है, क्या हुआ सर, क्या मामला है सर यहाँ पे। अरे यहाँ रात में गोली चला है 7:30 बजे करीब, प्रशासन लोग तो आए, प्रशासन लोग देख रेख कर रहे हैं, और इनके इनके से पहले भी गोली यहाँ कांड हुआ है, कई बार चार कांड हो चुका है, लेकिन कोई यहाँ पर देख रेख करने वाली नहीं है। क्या क्या मामला है, पूरा मामला बताइए, पूरा मामला बताइए सर, रात में कौन गोली मार के भागा, अभी तक पकड़ा गया? वो तो पता नहीं है सर, हम रह रहे तो दुकान इधर है, समझ गए ना, इधर भी डीजे बज रहा था, उधर भी डीजे बज रहा था, इस दरमियान में कांड हो गया। देख पा रहे हैं सहरसा में जो है लिपि सिंह और शिवदीप लांडे जो आए हुए हैं, फिर भी इसके रहते हुए भी सहरसा में रोज गोली कांड हो रहा है। बिहार में सुशासन की सरकार है, जिसके चलते भी कोई यहाँ पर सुशासन की सरकार नहीं है, प्रत्येक दिन जो है अपराध बढ़ते जा रहा है। आइए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या हुआ था सर? गोली चला था का नहीं है प्रशासन, ये फजूल का है, ये कोई काम का नहीं। लिपि सिंह और दारू क्या खोलेगा, दारू बैठता है थाना में, दारूबाज थाना में बैठता है जाके। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देख पा रहे हैं प्रशासन की मुर्दाबाद कर दिया, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, ऑरेंज और दारू बंद हो सकता है, लेकिन वह प्रशासन लोग इसके ऊपर कोई दायित्व नहीं रखता, नहीं समझ गए ना, इसलिए ऐसी सरकार अपराधी खुले आम दारू पीता है, कॉरेक्स पीता है, उसके मिली भगत से ही काम करता है, प्रशासन के मिली भगत से ही काम करता है, समझे ना सर, कॉरेक्स बचवाता है, घटना हो चुका है। 24 घंटा के अंदर में अपराधी को पकड़े प्रशासन, नहीं तो बहुत बड़ा यहाँ पर जो उग्र होगा। मास्क का जमाना आ गया, मुँह में मास्क पी लेता है, कहीं जाके गोली चला देता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है लोगों का जो आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, अगर कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं किया गया तो पूरा रोड का चक्का जाम किया जाएगा सहरसा में। और आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, पूरा मामला बताइए सर क्या हुआ था? ग्रामीण सब तो देख रहे हैं जो सब जाम लगाए हुए हैं, हम लोग सबको आइए आपको जो है पूरा यहाँ का जो है दिखाते हैं माहौल, और ये सहरसा का जो है करने की कोशिश करते हैं कि सर आप यहाँ पे जो है धरना पे क्यों बैठे हुए, क्या कारण है? हमारे मार्केट में आए दिन घटनाएं होती रहती है, अपराधी आते हैं बाहर से और दुकान में घुस के दुकानदार को गोली मार के चला जाता है। हम लोगों का मुख्य मांग है कि हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए, हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अभी हमारी प्रशासन आई और हम लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, बैठे हुए थे, वो हमारे हम लोग को बोल रहे हैं कि हटा लीजिए, वो हमारा जाम उम हटाने लगे हैं, जान हम लोग जबरदस्ती, जान हम लोग का जाए, और जान का डर लगा रहता है, हर वक्त लगा रहता है, कब को लाएगा, क्या करके चल जाएगा, प्रशासन भी डराता है, प्रशासन डराता नहीं, मगर सुरक्षा भी देने कहना था कि ऐसी घटनाएं होती रहती है। हमारे हमारे ये क्या कहते हैं सिंगल स्टार है वो अजय कुमार जी नाम है, अजय कुमार जी नाम है उनका, उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है, देने में असमर्थ है प्रशासन। बिहार में सुशासन की सरकार है लेकिन सुरक्षा के नाम पे यहाँ पे जीरो है, और सहरसा में SP लिपि सिंह और शिवदीप लांडे दोनों के दोनों यहाँ असफल हुए, आने से उनका कोई फायदा नहीं हुआ। सहरसा में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, जनता परेशान है, दारू हो, चोरी हो, अपराध हो, मर्डर हो, रोज रोज बढ़ता जा रहा है लोग, जिससे जनता जो है परेशान है। आइए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्यों बैठे हैं सर आप इस पे? अगर 24 घंटा के अंदर अपराधी नहीं पकड़ा गया तो यहाँ उग्र भीड़ होगा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। अगर आप लोग चाहते हैं तो बढ़ियाई को साथ रखे, ठीक है, प्रशासन को अगर ताकत है तो 24 घंटा में हाजिरी करे, तभी ही हड़ताल टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। घटना बार बार होता है, बहुत बार होता है।
हर दुकानदार को डिस्टर्ब दिया जाता है, अपराधी को सजा करे और उसको न्याय का हिरासत में देखे बिल्कुल सजा करे, हम लोग बिल्कुल शांत रहेंगे। देख पा रहे हैं सहरसा में लगातार धीरे धीरे अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, पुलिस प्रशासन के नाम पे यहाँ जीरो है, पुलिस भी यहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है, दारू बिकवाती है, यहाँ सब चीज करवाती है, लेकिन कोरेक्स मिलता है, देखिए गली कुची में आपको कोरेक्स मिलेगा, अपराधी उसको कौन पहचानेगा, मास्क नहीं पहनता है प्रशासन उसको तंग करता है, वसूली करता है, इससे आए दिन घटना बढ़ते जा रहा है, इसको हल्ला हो गया, बकरी जैसे काटता है ना वैसे मर्डर होता है आजकल आदमी का यहाँ पे, समझ गए, क्या फायदा है, क्या कहेंगे नीतीश कुमार को, प्रशासन को, यहाँ के प्रशासन को। तो देख पा रहे हैं युवा लोग यहाँ पे जो शराब पुलिस थाना के द्वारा बिकवाया जाता है, जिसको पी कर युवा लोग अपराध करते हैं, कोरेक्स बेचते हैं, गाजा बेचते हैं, और जिसको पी के अपराध होता है नशे की धुत में। तो आइए आप जो प्रशासन के कुछ पुलिस वाले से बात करते हैं कि उनकी क्या पूरा का पूरा क्या मामला है, तो आइए मामला पूछते जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या मामला, इतना लोग इकट्ठा हुए हैं आज? कहाँ पे जी? सर नमस्कार, तो क्या मामला है सर, जानने की कोशिश करना चाहते हैं, यहाँ पे इतना लोगों भीड़ इकट्ठा हुआ है, उसके लिए अथराइज है, थानाध्यक्ष महोदय बताएंगे क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है, और उसके लिए जिला के सीनियर पदाधिकारी है, हम लोग तो एक सिंपल कर्मचारी है, अपना सिंपल अपना ड्यूटी करते हैं। आपको क्या ड्यूटी मिला सर यहाँ पे? हमको ड्यूटी मिला है कि जाम छुड़ाना है, जाम अनावश्यक लगा दिया है लोग, जो घटना दुर्घटना हुआ है तो उसको हम लोग अनुसंधान करने के पहल पर है, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो ड्यूटी हम लोग का है विशेष रूप से कि जाम आने जाने वाले जो पब्लिक है उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, हम लोग इसी के लिए आए हुए हैं। तो लोगों का कहना है कि पुलिस के मिली भगत से अपराध होता है बिहार में, ऐसा गलत है, जनता कुछ भी कर देती है, अब रियलिटी जब जमीनी स्तर पर आइएगा आप भी ना तो समझ जाइएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। हर थाना के एक किलोमीटर के अंदर हजारों दारू वाला है, यहाँ पे कोरेक्स वाला है, तो आप लोग क्या करते हैं उनसे पैसे लेके आप लोग भिजवाते हैं? बहुत लोगों का कहना है ये तो इस तरह की कोई बात नहीं है, जो बोल रहे हैं वही उसमें हो सकता है कि संरक्षण देने वाले होंगे।